तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या के बाद लोगों ने जो अपना गुस्सा दिखाया है, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोग सड़क पर उतर गए हैं। लोग आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं और सियासत भी तेज हो गई है। इस बीच तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने एक सनसनीखेज बयान दिया है और आरोपी को एनकाउंटर की बात कही है। पीड़िता के परिवार से मुकाबला ना करने पर विपक्षी नेताओं द्वारा की गई आलोचना पर तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने जवाब दिया। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा, यह भयानक है, उसका एनकाउंटर होना चाहिए, वह निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। सईदाबाद इलाके की सिंगरेनी स्लम कॉलोनी में 9 सितंबर को 6 साल की बच्ची अर्धनग्न अवस्था में पड़ोसी के घर में मृत मिली थी। अस्पताल में किए गए ऑटोप्सी में पता चला कि बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया है, उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई है। बच्ची से बलात्कार और फिर हत्या का मुख्य संदिग्ध 30 साल का राजू नाम बताया जा रहा है।